अल्लाह शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम को हमारी तरफ से ईद की मुबारक मुबारकबाद पेश है। आप लोग कबूल फरमाइए। इस बार हम 2 साल के बाद इंशाल्लाह ताला ईदगाहों में नमाज पढ़ेंगे और मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग अपने ईदगाहों में खामोश जाके अपने आराम से नमाज वगैरह पढ़ कर आइए। और तमाम को बहुत बहुत मुबारक, इस बार ईद अच्छे से हो रही है और मैं कमिश्नर को भी डायरेक्शन दी हूँ कि हमारे चारों ईदगाह में अच्छे से काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह रखिए और ट्रैफिक की भी सहूलत होना चाहिए, तो उन्होंने वादा किया है। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी अमन रहेगा और काफ़ी सहूलतें दी जाएंगी सबको। तो मैं तमाम से यही दुआ करती हूँ, आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अब आराम से नमाज पढ़ के आइए। और मैं तमाम उलमा से गुजारिश करती हूँ, हिंदुस्तान में सारी दुनिया में अमन के लिए दुआ कीजिए आप लोग तमाम। तो इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम ब्रदरान इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम की दुआओं को, आपकी इबादतों को, आपकी नमाज़ों को, जो लोग ज़कात दिए हैं उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला दुआ कबूल अता फरमाएँ। और यही गुजारिश करता हूँ मैं तमाम लोग हमारे देश के लिए दुआ कीजिए कि जो हालात हो रहे हैं गुलबर्गा में ले लीजिए या पूरे दुनिया में ले लीजिए, पूरे भारत में ले लीजिए, जो माहौल क्रिएट किए हैं जो RSS वाले हैं, मैं दुआ करता हूँ कि हम जो भाईचारगी से है पिछले 40 सालों से उसी तरह मेंटेन रहे, पीस हारमोनी मेंटेन रहे, अमन और शांति मेंटेन रहे। और तमाम लोगों को फिर से दिल की गहराइयों से मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि पीस और हारमोनी मेंटेन रहे गुलबर्गा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स। फॉर डेली अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल।